टेनिस बॉल, वो हरी लाल पीली गेंदें, जिनसे हमने चाहे कभी टेनिस ना भी खेला हो तब भी बहुत ज्यादा खरीदी हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट का देश है और टेनिस बॉल से बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए और क्या हो सकता है। पर टेनिस देखने और खेलने वालों की भी जनसंख्या भारत में कम नहीं है, और टेनिस क्यों ना पसंद किया जाए। टेनिस को एक एलीट खेल माना जाता है, जिसे राजा महाराजा किसी जमाने में खेला करते थे, और आज भी विंबलडन जैसे बड़े टेनिस टूर्नामेंट्स में टेनिस की रईस ही छलकती है। अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बता दें कि विंबलडन के टाइम का ख्याल रखते हुए जो क्लॉक्स इस्तेमाल की जाती हैं वो कोई आम घड़ियां नहीं होती, बल्कि रोलेक्स द्वारा बनाई जाती है। इसी तरह टेनिस के हर इक्विपमेंट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे बनाया जाता है इस टेनिस बॉल्स को फैक्ट्रीज में, और इनमें क्या इंजीनियरिंग शामिल है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। टेनिस कोई नया खेल नहीं है दोस्तों, टेनिस को 12वीं शताब्दी से खेला जा रहा है, और इसे सबसे पहले फ्रेंच लोगों द्वारा खेलना शुरू किया गया था। और ये टेनिस आज के टेनिस से बिल्कुल अलग था, इसीलिए लोग इसे रियल टेनिस या ओरिजिनल टेनिस भी कहते हैं। रियल टेनिस खेलने के लिए रैकेट्स का नहीं बल्कि हाथों का इस्तेमाल किया जाता था। हाथों से खेलने की वजह से इस समय की टेनिस बॉल्स आज के रबर के बजाय सॉफ्ट लेदर से बनती थी, जिन्हें अंदर से ऊन से भरा जाता था। चीटिंग और चोट के डर से फ्रांस के राजा लुई 12 ने टेनिस बॉल्स को बनाने के लिए चौक, मिट्टी और लकड़ी के बुरादे जैसी चीजों पर भी बैन लगा दिया था। 16वीं शताब्दी आते आते लोगों ने टेनिस में रैकेट्स का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। फ्रांस से ये गेम फिर तेजी से यूरोप में फैला और इसमें काफी सुधार आए। जब टेनिस इंग्लैंड पहुंचा तो टेनिस बॉल्स को लेदर और ऊन के बजाय पुट्टी से बनाया जाने लगा, जिसके अंदर इंसानों के बाल डाल दिए जाते थे। अब ये सुधार था कि नहीं ये तो आप खुद ही सोचिए, पर इंग्लैंड के लोगों को टेनिस काफी पसंद था। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8, जिनकी अय्याशी और शादियों पर एक अलग से पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, वो भी रियल टेनिस खेलना पसंद करते थे। इंग्लैंड के ही पड़ोसी स्कॉटलैंड को ये दोनों ही तरीके अच्छे नहीं लगे, इसीलिए उन्होंने बॉल्स बनाने के लिए भेड़ों और बकरियों की स्मॉल इंटेस्टाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये तरीका थोड़ा घिनौना तो था, लेकिन इससे टेनिस बॉल ज्यादा उछल पाती थी। इसके 300 साल बाद एक नई साइंटिफिक इन्वेंशन हुई, और वो इन्वेंशन सभी के काम आई। फिर वो टायर कंपनियां हो या टेनिस बॉल मैन्युफैक्चरिंग, 1839 में जब चार्ल्स गुडईयर ने वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किया तो टेनिस बॉल्स की सूरत बदलने लगी, और टेनिस बॉल्स को वल्कनाइज्ड रबर से बनाया जाने लगा। लेकिन अब भी इसमें कमी बाकी थी। आप देखेंगे कि आज की टेनिस बॉल्स अंदर से खोखली होती है, जिससे कि प्लेयर्स को ज्यादा कंट्रोल और बाउंस मिलता है, लेकिन उस वक्त तक टेनिस बॉल्स को अंदर से बाहर तक पूरी तरह रबर से बनाया जा रहा था। इसके बाद कुछ जर्मन इंजीनियर्स ने पहले बॉल के अंदर फ्लैनल भरना शुरू किया, और उसके बाद डिसाइड किया कि वो उसे खोखला ही छोड़ देंगे और सिर्फ उसमें गैस भरेंगे। इसके बाद इन बॉल्स में कुछ नए नए सुधार होते गए, और फिर जब 1972 में टेनिस टीवी पर दिखाया जाने लगा तो टेनिस बॉल्स का कलर व्हाइट से येलो कर दिया गया, ताकि वो टीवी पर अच्छे से दिख सके। हालांकि टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन में ये बदलाव 1985 में आया। तो अब आते हैं टेनिस बॉल्स की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग तक। आज के वक्त में बॉल्स फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। इसके लिए नेचुरल रबर के साथ साथ सिंथेटिक रबर को भी ऐड किया जाता है, जिससे कि बॉल बाउंस कर सके। ऐसे ही नेचुरल रबर में कुल 13 अतिरिक्त कंपोनेंट्स डाले जाते हैं रबर को परफेक्ट बनाने के लिए। इसके बाद इस रबर मिक्स से छोटे छोटे पैलेट्स बना लिए जाते हैं, जिन्हें एक मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन के अंदर प्रेशर के साथ तापमान 330 डिग्री फ़ारेनहाइट या 165 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जाता है, जिससे रबर मेल्ट होकर आधे शेल के आकार का हो जाता है। इसके बाद इन शेल्स को अलग काट लिया जाता है, और फिर एक मशीन इन्हें इनकी सही हाइट और शेप में एडजस्ट कर देती है। इसके बाद इन शेल्स पर ग्लू लगाकर बाकी के हिस्से को इनके ऊपर जोड़ दिया जाता है। अब ये थोड़ा थोड़ा टेनिस बॉल की तरह दिखनी शुरू हो जाती है। इसके बाद इन्हें एक मशीन में भेजकर इनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी और रेत गिराई जाती है, और आखिर में इन्हें फिर से गोंद में डुबा दिया जाता है। आगे की प्रक्रिया में इनके ऊपर इनका कवर लगने वाला होता है, जिसे फैलेट बोलते हैं। ये फैलेट नायलॉन और कुछ खास तरह की भेड़ों के ऊन से बनाया जाता है। बड़ी बड़ी फैलेट की शीट्स में से एक मशीन बॉल के साइज के कवर काट लेती है, जिसके बाद इन्हें बॉल्स पर लगाया जाता है। काटने के बाद इन्हें बंडल्स में निकाल लिया जाता है, और फिर इन बंडल्स को फिर से ग्लू में डिप किया जाता है। इन्हें बॉल्स पर लगाने के लिए कुछ कंपनीज हाईटेक मशीन्स का इस्तेमाल करती हैं, तो कई कंपनियों में कर्मचारी इसे खुद हाथ से लगाते हैं। लोगों का मानना है कि मशीन से लगने वाले कवर परफेक्ट नहीं होते, इसलिए इंसानों के हाथ से लगने वाली बॉल्स को बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। इसके बाद इन बॉल्स को टेस्ट किया जाता है, और सब कुछ ठीक होने पर
फिर से हीटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे कि ये फैलेट्स अच्छी तरह से गेंद से चिपक जाएं। हीटिंग मशीन से आने के बाद एक बार इन्हें स्टीम मशीन से भी गुजारा जाता है ताकि इनके ऊपर से निकलते रेशों को स्मूथ किया जा सके। स्टीम मशीन से बाहर आने के बाद ये गेंद बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है, जिन्हें फिर आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और प्रेशराइज ट्यूब्स में बॉल पैक हो जाती है। टेनिस बॉल आज के समय में एक बहुत बड़े स्केल पर बनाई जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल 33 करोड़ टेनिस बॉल्स दुनिया भर में बनाई जाती हैं। जहां ये नंबर अपने आप में बड़ा इम्प्रेसिव है, लेकिन इसके कुछ भीषण परिणाम भी हैं। टेनिस बॉल्स के साथ ये परेशानी है कि इनका रबर जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता और प्लास्टिक की ही तरह कई सालों तक रहता है, जिससे ये वाटर और लैंड पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार हैं। हर साल टेनिस बॉल्स की वजह से 20,000 टन कूड़ा जनरेट होता है, जो एक चिंता का विषय निरंतर बना हुआ है, वो भी ऐसे समय में जब भारत समेत बड़े बड़े देश क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन को लेकर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और खुद को एक ग्रीन देश बनाने में लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स कंपनी विल्सन ने इसे देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। विल्सन ने ऐलान किया है कि वो सभी तरह की टेनिस बॉल्स को इकट्ठा करके उन्हें रिसाइकिल करेंगे, जिससे इस तरह के मटेरियल बनाए जा सके जिससे नए टेनिस कोर्ट्स और बाकी तरह की चीजों का निर्माण संभव हो। विंबलडन टूर्नामेंट इस समस्या को लेकर काफी सचेत है और उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि विंबलडन में इस्तेमाल होने वाली सारी बॉल्स को रिसाइकिल करते हुए घर बनाने के काम में लाया जाएगा। नहीं, ये इंसानों के घर नहीं होंगे। विंबलडन की ये टेनिस बॉल्स एक एंडेंजर्ड यूरेशियन हार्वेस्ट माउस स्पीशीज के संरक्षण के लिए बनाए जाने हैं। इसके अलावा भी कंपनीज लगातार इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रही है। आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि वो कौन सा भारतीय था जिसने सबसे पहली बार विंबलडन कप जीता था। इस खिलाड़ी के बारे में खास बात यह है दोस्तों कि इसी खिलाड़ी के बेटे ने फिर से 16 साल बाद एक और विंबलडन कप जीता था। इसके अलावा अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं हमें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।